अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो, वेलकम टू टीचोपीडिया। मेरा नाम है उज़ैर आदम जी और आप देख रहे हैं टीचोपीडिया। आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेटा इंजीनियरिंग से। डेटा इंजीनियरिंग को आप ऐसे समझें कि वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है, कि उसकी बुनियाद पर सारा काम होता है। कहाँ से डेटा आएगा और कहाँ डंप होगा, ये सारा काम हम डेटा इंजीनियरिंग में करते हैं। डेटा इंजीनियरिंग में हम ये डिफाइन करते हैं कौन सी सोर्सेज से डेटा आएगा, कैसे डेटा आएगा, किस फॉर्मेट में डेटा आएगा और कहाँ डंप होगा। इस पूरी टेक्निक को कहते हैं ETL या ELT, मतलब एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड देन लोड। एक्सट्रैक्ट मतलब कहाँ से आपको डेटा निकालना है, एक्सेल से, XML फाइल से, जेसन से, सोशल मीडिया का डेटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या कहीं और से। सबसे पहले सोर्सेज डिफाइन होगी जहाँ से वो डेटा एक्सट्रैक्ट होगा, देन वो होगा कहीं ट्रांसफॉर्म, कोई फॉर्मेटिंग का काम है, कोई एक कॉलम को एक लेवल पे लेके आना है, एक तरीके से इसको बिठाना है डेटा के लिए, तो ये सारा काम होता है ट्रांसफॉर्मेशन वाले स्टेप। और देन ये सारा काम करने के बाद हम करते हैं लोड इसको डेटाबेस के अंदर। तो डेटा इंजीनियरिंग में ये सारा काम होता है। अब आते हैं हम दूसरी फील्ड के ऊपर, वो है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिस्ट जो होगा वो सबसे पहले वो डेटा यूज करेगा जो डेटा इंजीनियर ने डेटाबेस में डंप किया है। उसका काम ये होगा कि वो बिजनेस प्रॉब्लम को समझे और सही डेटा डेटाबेस से निकाले और प्रॉब्लम रिजॉल्व करे। फॉर एग्जाम्पल, आपके CEO ने आपको बोला कि 2020 और 2021 और 2022 की सेल्स की सारी डेटा लेके आओ जून तक की, और कंपैरिजन करो इस पे हमारी कैसी परफॉर्मेंस है। तो आप डेटाबेस में जाएंगे, आप क्वेरी करेंगे, आप डेटा निकालेंगे 3 साल का, एंड देन आप वो कंपेयर करेंगे और शो करेंगे रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और चार्ट्स। डेटा एनालिस्ट जो है, इन शॉर्ट, वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है एग्जिस्टिंग डाटा में और बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब आते हैं डेटा साइंस की तरफ। डेटा साइंस में हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि इस हाउस की इस एरिया में क्या प्राइस होगी 1 साल बाद। तो उसके लिए डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को हम मद्देनजर रखते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट जो है वो हमेशा आगे की सोचता है, आगे की प्रेडिक्शन के ऊपर फोकस होता है। उसको हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, क्या वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है या रिग्रेशन प्रॉब्लम है। क्लासिफिकेशन होगा तो कोई कैटेगरी, कोई लेबल प्रेडिक्शन होगी। फॉर एग्जांपल, इंश्योरेंस के अंदर कि वो एक्टिविटी जो है ट्रांजेक्शन की, वो फ्रॉड होगी या नहीं होगी, कोई लोन बाय करेगा या नहीं करेगा। रिग्रेशन के अंदर हाउस की क्या प्रेडिक्शन, हाउस की क्या प्राइस होगी 1 साल बाद, सेल्स क्या होगी 1 साल बाद उस स्टोर की या उस शॉप की। तो डेटा साइंस इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। इन शॉर्ट, डेटा इंजीनियर पहले आपकी बुनियाद रखता है, फिर इसके बाद डेटा एनालिस्ट आता है, एंड देन डेटा साइंस आता है। ऐसा भी हो सकता है कि डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिटिक्स का भी काम करे, बोथ वे वाइस वर्सा भी काम हो सकता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैं कि ये डिफरेंस आपको समझ आया होगा, बिकॉज ये बहुत क्रूशल डिफरेंस है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं तो ये डिफरेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, या अगर आप बिगनर्स में आ रहे हैं तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि डेटा इंजीनियर, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस में क्या फ़र्क है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना।